हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र आपका आईटी सपोर्ट की इस वीडियो पे मैं बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है शॉर्ट यूरल, कि आप कैसे किसी बड़े यूरल को शॉर्ट यूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये बहुत बड़ा यूरल आप देख रहे हैं, इसे हम कैसे शॉर्ट कर सकते हैं, मतलब कि शॉर्ट यूरल आप यूज़ कर सकते हैं बड़े यूरल की जगह। जैसे आप ट्विटर पे ट्वीट करना जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे शॉर्ट यूरल को डालना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट यूरल फैच भी हो जाता है, साथ ही साथ आपकी जो वेबसाइट है दूसरों के लिए वो पता नहीं लगता, कि एक तरह का सस्पेंस सी क्रिएट करती है। जब तक वो वहाँ पे क्लिक नहीं करते तब तक वो वेबसाइट के अंदर नहीं जा पाते। तो आप लॉन्ग यूरल की जगह शॉर्ट यूरल यूज़ कीजिए। शॉर्ट यूरल का मल्टीपल बेनिफिट होते हैं, आप इसे कहीं भी सेव कर सकते हैं। प्लस आप शॉर्ट यूरल से ये होता है कि एक तो स्पेस भी कम होता है, वो जगह भी कम लेती है, और आपको मल्टीपल यूरल भी मिल जाते हैं। ये चीज़ों को मैं आपको प्रॉपरली अच्छी तरह से सब एक्सप्लेन करूँगा। हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले जैसे कि मैं हमेशा ही बोलता हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन है जिसके ऊपर क्लिक कीजिए, इसके बाद एक बेल आइकन आएगा। जब भी आप बेल आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपने चैनल में डालता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती है। तो बेल आइकन का बटन दबाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। अगर आपको कोई मेरी वीडियो मिस हो जाती है या फिर आप कोई वीडियो मेरी देख नहीं पाते हैं यूट्यूब के ऊपर, तो मेरे ब्लॉग का ये इसका लिंक मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे देता हूँ। तो प्लीज़ आप वहाँ पे आके मेरी सारी की सारी वीडियो देख सकते हैं, मैंने सारी की सारी वीडियो पोस्ट की हुई है। अगर कोई फ्रेंड मेरे से बात करना चाहता है या किसी टॉपिक के बारे में वो मेरे से इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, या वो चाहता है कि मैं उसके दिए हुए टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो मुझे वो आईटी सपोर्ट के फेसबुक पेज पे आके कॉल भी कर सकता है फेसबुक के ऊपर, प्लस मेरे से चैट पे बात भी कर सकता है। तो प्लीज़ आप मेरे से बात करिए, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे से आप बात करके उससे सुझाव दे सकता हूँ मैं उसके ऊपर, आप सॉल्व करने की तो मैं पूरी कोशिश करूँगा उस प्रॉब्लम को। चलिए फ्रेंड, अब हम बात करते हैं कि हम यूरल को कैसे शॉर्ट करते हैं। पहले मैं आपको लॉन्ग यूरल के बारे में बताता हूँ कि लॉन्ग यूरल कौन सा होता है। देखिए फ्रेंड, मैंने एक वेबसाइट अपनी ब्लॉग का एक ओपन किया ब्लॉग, तो ब्लॉग का ये जो लिंक आप देख रहे हैं ये कितना बड़ा लिंक, इसके लिए एक वेबसाइट है जिससे हम इसे शॉर्ट यूरल पे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, ये एक वेबसाइट है, तो इसको हम शॉर्ट यूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो